नमस्कार, सबलाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, कंपोजिशन में हम विभिन्न प्रकार की गैसों के सम्मिश्रण की बात करेंगे, मतलब वायुमंडल में कौन कौन सी जो हवा में गैसें व्याप्त हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले हमने परतों की बात की थी और आज हम संगठन की बात करेंगे, वायुमंडल में गैसों के संगठन की। चलिए देखिए, वायुमंडल जो आपके चारों तरफ फैला हुआ है वो एक गैसों का समूह है ना। चारों तरफ जो गैसें फैली हुई हैं उसका एक समूह है। तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें, सबसे पहले वायुमंडल क्या होता है, ये एक अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्रा में रहते हैं। हमारे वायुमंडल में मात्रा के अनुसार, देखिए हर चीज़ की एक मात्रा होती है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा किस गैस की है, सबसे ज़्यादा मात्रा है नाइट्रोजन की, यानी कि 78.09% नाइट्रोजन है। और जो पौधों और जीवों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है कौन सी, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन है 20.920 यानी कि 20.95 यानी कि 20.95%। थर्ड नंबर पे है 0.93%, जिसका नाम है आर्गन। और फोर्थ नंबर पे है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चार प्रमुख गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें अगर, तो यहाँ पे हवा में जल वाष्प की एक चर राशि भी होती है जो समुद्र के स्तर पर औसतन 1% और पूरे वातावरण में 0.04 होती है। इसको हम जल वाष्प कहते हैं, जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ बहुत नमी सी फैली हुई है, तो उसी को हम जल वाष्प की मात्रा को मेजर करने के लिए देखते हैं। ये गैस हैं जो टॉप 10 गैस हैं हमारे वायुमंडल की। आप सबसे पहले देख रहे होंगे इसमें नाइट्रोजन 78.09, और ऐसे ही ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर हाइड्रोजन है। ये टॉप 5 में आती हैं। और उसके बाद हम जो बाकी गैसें हैं ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन 10 अगर हम गैसों की बात करेंगे तो उसमें इनका नाम है, तो नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और सबसे लास्ट में है ओजोन, जिसकी परत आप देखते हैं समताप मंडल में पाई जाती है। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम नज़र डाल लेते हैं। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भारी गैसें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 भारी गैसें हैं। बाकी शेष जो है हल्की गैसें हैं, वो वायुमंडल में ऊपरी भागों में स्थित हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये वायुमंडल में हल्की गैसें हैं, तो ये ऊपरी भाग में तो चली जाएंगी ना, क्योंकि जो हल्का है वो ऊपर उड़ जाएगा। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भारी गैसें हैं, जो भारी गैसें होती हैं वो क्या होगा, वो नीचे आ जाएंगी। तो वायुमंडल में जो नीचे हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी जो हल्की गैसें हैं वो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, उसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन अस्थाई गैसें हैं। CO2 और ओजोन अस्थाई गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियॉन ये सारी स्थाई गैसें मानी जाती हैं। मतलब इनका जो उद्देश्य है वो स्थाई रूप से माना जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है तो सबसे महत्वपूर्ण है। यह जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदा मंडल और जैव मंडल में अलग अलग होता है। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। ये क्वेश्चन है कि कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, तो उसमें क्या आता है, राइजोबियम। चौथा है, यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। कौन, नाइट्रोजन। बात करते हैं ऑक्सीजन की, यानी कि O2, इसको O2 से लिखते हैं, इसमें लिखा नहीं है, इसको O2 लिखते हैं, ठीक है।
यह प्राणदायिनी गैस है, जाहिर सी बात है, इसमें कोई नो डाउट कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इसको हम प्राणदायिनी गैस बोलेंगे। और इस भारी गैस का संघनन वायुमंडल के निचले भाग में क्यों? क्योंकि ये एक भारी गैस है। इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं कि ऑक्सीजन गैस का जो की खोज है वो सर्वप्रथम स्वीडन के सीले नामक वैज्ञानिक ने 1972 में की थी। और ऑक्सीजन की खोज प्राप्ति और प्रारंभिक अध्ययन में जे प्रिस्टले, इनका भी नाम आता है जे प्रिस्टले, और C.W. सीले ने महत्वपूर्ण कार्य किया। कभी कभी हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन की खोज में जी प्रिस्टले का नाम मिल जाए, तो जी प्रिस्टले भी सही है, लेकिन सीले मेन थे जिन्होंने खोज की थी। किसकी? ऑक्सीजन की। ये हमारे तीसरे नंबर की सबसे मुख्य गैस है, क्योंकि सबसे पहले नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाती है आर्गन। देखिए, आर्गन एक रासायनिक तत्व है और ये एक निष्क्रिय गैस है ना? तो ये एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की वायुमंडल में तीसरे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। औसतन पृथ्वी की वायु का यह 0.93% आर्गन है। मतलब ये जो आर्गन गैस है ये 0.93 पाई जाती है, ठीक है, 0.93। इसे उद्योग में बिजली के बल्ब आदि में प्रयोग किया जाता है। तो इसे उद्योग में बिजली के बल्ब में, देखिए बल्ब बना हुआ है, इसके भीतर में एक गैस जो भरी जाती है वो आर्गन भरी जाती है, क्योंकि ये एक निष्क्रिय गैस है, ये किसी चीज से जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए इसे बल्ब में भरा जाता है। और इसको AR से डिनोट करते हैं, कोने में जो आप देख रहे हैं AR लिखा हुआ है, इसे AR से डिनोट किया जाता है। चौथे, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और सबसे ज्यादा ये परेशानी की समस्या बनी है कि ये जो गैस है हमारी, ये विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता, मतलब जो कंसेंट्रेशन है, इसकी वृद्धि हो रही है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, मतलब गर्मी बढ़ रही है, और जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। जब गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, जो बड़े बड़े पत्थर बर्फ के टीले हैं वो पिघलने लगेंगे, और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। जब उनका स्तर बढ़ जाएगा तब मौसम में परिवर्तन आने लगेंगे, जिससे परेशानी आ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। ओजोन की बात करें, O3, इसको O3 कहते हैं, आपको बता दें इसको O3 कहते हैं। आपको बताया था कि ये परत है, वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाए जाने वाली ओजोन का सर्वाधिक सांद्र 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पे है। मतलब क्या है, ये हल्की गैस है तभी तो ऊपर है। ओजोन सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज को रोकती है, ये मैंने आपको कल बताया था पुराने अपने वीडियो में, जिसमें हमने परतों की बात की थी। और जो वर्तमान में CFC है ना, ये जो आप देखते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहते हैं CFC को, CFC क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, अन्य ओजोन क्षरण पदार्थों की मात्र के कारण ओजोन परत में जो है छेद हो रहा है। तो CFC कहाँ से निकलता है, जो AC और फ्रिज की गैस है, जब वो रिलीज होती है तो धीरे धीरे पूरे माहौल एटमोसफियर में फैलती है, तो वो जो है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है, जो कि हमारी यूवी रेज को रोकने का काम करती है। और अगर जब ओजोन हमारी कटने फटने लगेगी या कमजोर होने लगेगी, तो यूवी किरणें क्या करेंगी, सीधे धरती पे आ जाएंगी और हमारी स्किन को और गर्मी को बढ़ा देंगी। तो हमें ओजोन लेयर को बचाना है। कहीं ना कहीं जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है हमारे वायुमंडल में, तो वायुमंडल में आयतानुसार 0.4% जलवाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्र ध्रुवों के आसपास, मतलब इसकी जो मात्रा कम होती है वो ध्रुवों के पास होती है। भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले वायुमंडल में समस्त जलवाष्प व्यवस्था 90% भाग होता है। मतलब 90% जो है 5 किलोमीटर के ऊपर तक पाया जाता है जलवाष्प, बाकी जो है 10% ही होता है जो उसके ऊपर होता है। तो उसके ऊपर हम देखेंगे, जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण संबंधी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। वर्षण मतलब वर्षा से संबंधित। उसके बाद हम बात करते हैं कि वायुमंडल में जल मंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है, मतलब जल मंडल में इसका भी भाग सुरक्षित रहता
बात करते हैं धूल कणों की, इसे एरोसॉल भी कहा जाता है। हम कहते हैं कभी कभी कि एरोसॉल किसे कहते हैं, धूल कणों को एरोसॉल कहा जाता है। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाले धूल कण आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। धूल कण सौर विकिरण के परावर्तन प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। उसके बाद देखिए बात करते हैं वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, धूल कणों के कारण जो वर्णात्मक प्रकीर्णन करते हैं, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दिखने वाला रंग धूल कणों की ही देन है। मतलब सूर्य सूर्योदय में जो सुबह रेड कलर का दिखाई देता है सूरज, और शाम को भी रेड कलर का दिखाई देता है, तो इसी जो कारण है कि कौन है, धूल कण है, डस्ट माइट्स कहते हैं इन्हें। और उसके बाद बात करते हैं धूल कणों का सर्वाधिक जमाव उपोष्ण और औद्योगिक क्षेत्रों में होता है, और न्यूनतम जमाव ध्रुवों के निकट पाया जाता है जो धरती के ध्रुवीय क्षेत्र हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण के अन्य टॉपिक पे। जल्द ही मिलते हैं, धन्यवाद।